एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर गाइस, मैं हूं अशोक कुमार। डियर गाइस, सिंगुलर एंड प्लुरल के टॉपिक में आज मैं आपके लिए ऐसे अल्फाज लाया हूं, ऐसे वर्ड्स लाया हूं जिनके एक नहीं बल्कि दो प्लुरल्स बनाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन से वो वर्ड्स। डियर गाइस, सम सिंगुलर नाउंस हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लुरल्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके टू फॉर्म्स बनती है, दो फॉर्म्स बनती है प्लुरल की। तो देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है। ब्रदर, ब्रदर का मतलब है भाई, ब्रदर्स, और दूसरी फॉर्म है ब्रदरन। ब्रदर्स का मतलब है एक से ज़्यादा भाई हों, दो तीन चार भाई। सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, एक ही माँ बाप के अगर वो बेटे हैं, आपस में भाई लगते हैं, तो हम उसका प्लुरल बनाएंगे ब्रदर से ब्रदर्स, ब्रदर से ब्रदर्स उसका प्लुरल बनाएंगे। जब ब्रेदरन भी उसका प्लुरल बनता है, ब्रदर का प्लुरल ब्रेदरन भी बनता है। ये तब बनेगा जब हम पूरी सोसाइटी के जो हमारे मेंबर्स हैं, पूरे माशरे के जो लोग हैं, उनको हम जब अपना भाई भाई कहेंगे तो हम उनको प्लुरल बनाएंगे ब्रेदरन। मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी या नेबरहुड या किसी मोहल्ले के आसपास के जो हमारे भाई भाई हैं, जिस तरह हम कहते हैं हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वी आर मुस्लिम्स आर ब्रेदरन टू ईच अदर। तो यहाँ पे ब्रदर का प्लुरल होगा ब्रदरन। अब देखते हैं दूसरा वर्ड है क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब कपड़ा या कपड़े भी बनता है। कब बना, एक इसका प्लुरल बनेगा क्लॉथ्स, दूसरा भी क्लॉथ्स। यहाँ पे सिर्फ एस लगा हुआ है, यहाँ पे ई एस लगा हुआ है। तो देखते हैं इनमें फर्क कौन सा है। सी एल ओ टी एच एस, इस क्लॉथ्स का मतलब काइंड्स ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ, मतलब किसी कपड़े के जो टुकड़े हों और उनके मुख्तलिफ किस्म हों, किसी भी कपड़े के टुकड़े हों, मुख्तलिफ किस्म टुकड़े हों, तो टुकड़ों को हम कहेंगे क्लॉथ्स। यहाँ पे एस लगाएंगे, प्लुरल बनाएंगे। और सी एल ओ टी एच ई एस, ये वाला क्लॉथ जो है ये सियोन गारमेंट्स, मतलब जो स्लेव हमारे कपड़े हैं, जिस तरह जो हम पहन के रखते हैं वो स्लेव कपड़े होते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लॉथ्स। तो इस क्लॉथ के दो प्लुरल हो गए, एक वो प्लुरल जब किसी कपड़े के टुकड़ों के बारे में हम बात करें, पीसेस के बारे में बात करें, वो होगा क्लॉथ्स एस वाला, और दूसरा क्लॉथ्स होगा ई एस वाला जब हम पहने, जो हमारे सिले हुए कपड़े हुए हैं जो हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं अब तीसरा वर्ड है हमारा डाई। डाई के प्लुरल दो हैं, एक डाइज दूसरा डाइस, एक डाइज दूसरा डाइस। अब डाइस का मतलब, डाइस का स्टैम्प्स ऑफ क्वाइनिंग, जब सिक्के बनाते हैं या नोट वगैरह बनाते हैं तो उन पे जो ठप्पे लगते हैं, स्टैम्प्स लगते हैं, उनको हम कहते हैं डाइस, डाइस। अब दूसरा देखते हैं डाइस। डाइस का मतलब स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, जो खेलों में इस्तेमाल होते हैं, स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे जो क्यूब होते हैं, जिस तरह लूडो में इस्तेमाल होता है, तो उन क्यूब्स को इंग्लिश में कहेंगे डाइस। तो इनका सिंगुलर होता है डाई, और इस डाई के दो प्लुरल बनते हैं, एक डाइज दूसरा डाइस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड इंडेक्स। इंडेक्स हम कहते हैं फेहरिस्त को। इंडेक्स के दो प्लुरल बनाए जाते हैं, इंडेक्सेस और दूसरा इंडाइसेस, इंडेक्सेस दूसरा इंडाइसेस। इंडेक्सेस का मतलब टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक, किसी भी किताब में जो पूरा कंटेंट है, पूरा मवाद है हमारा, जो किताब में लिखा हुआ है, उसकी जो हम टेबल बना देते हैं, उसका सीरीज बना देते हैं, उसका हम फहरिस्त बना देते हैं, उसको हम कहते हैं इंडेक्सेस, इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस का मतलब साइंस यूज्ड अलजेब्रा, मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा में साइंस इस्तेमाल होते हैं, ए बी सी के या दूसरे साइंस इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम उर्दू के अलामत या निशानियाँ, उन निशानियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्सेस, प्लुरल में, सिंगुलर में होगा इंडेक्स। तो देखते हैं डियर गाइस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके एक नहीं बल्कि दो प्लुरल्स बन रहे हैं। तो अब मैं फिर आपको बता दूं, ब्रदर के दो प्लुरल हैं ब्रदर्स ब्रदरन, क्लॉथ के क्लॉथ्स क्लॉथ्स, डाई डाइस डाइज डाइस, इंडेक्स इंडेक्सेस इंडाइसेस। अब हम मैं एक और टॉपिक इसके साथ आपको पढ़ा दूं, वो है एपोस्ट्रॉफी लगाने से हमारा प्लुरल बन जाता है। एपोस्ट्रॉफी जो लगा, ये जो हमारे यहाँ पे ऊपर कामा दी हुई है, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ये हम जब पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल में कुछ इस्तेमाल हो रहा है इसका, तो यहाँ पे भी इसको मैं आपको बता दूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। देखें, जब किसी लेटर का प्लुरल बनाओ, जिस तरह ए बी सी डी, ए बी सी के जो लेटर्स हैं उसका प्लुरल बनाओ, किसी फिगर
या डिजिट का पिलर बनाना हो, या किसी सिंबल में जिस तरह मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती हैं उन सिंबल्स को हम पिलर बनाएं, तो उनके साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे, हम एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे तो हमारा पिलर बन, जिस तरह ई इज। अगर मैं कहूँ देर आर 20 इज ऑन द बोर्ड, ऑन दिस बोर्ड, देर आर 20 इज ऑन दिस बोर्ड, इसका मतलब ये है हम इज एपोस्ट्रॉफी देकर फिर एस लगाएंगे, लिखेंगे उसका प्लूरल में अगर हम लिखेंगे ए ए एपोस्ट्रॉफी एस। अगर हम किसी में दो से एक से ज़्यादा आए तो हम उसके लिए एज इस्तेमाल करें। फाइव, ये हमारे फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, 5, 10, इनका भी अगर प्लूरल बने, अगर हम कहीं इसमें 2, 5 हैं तो देर आर 2 5s, ये वाला एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे हम एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। इस तरह ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स के साथ भी अगर हम ई एपोस्ट्रॉफी देकर एस लगाएंगे तो उनका प्लूरल बनेगा। तो डियर गाइस, आज का टॉपिक यहीं तक है, सिंगुलर प्लूरल का हमारा ये लास्ट वीडियो था, वीडियो नंबर 4। डियर गाइस, मैंने सिंगुलर प्लूरल पे 4 वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि बहुत डीप में हमने डिस्कस किए हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो डियर गाइस, सिंगुलर प्लूरल के इससे जो पहले वीडियोस हैं वो देखना ना भूलिए, और हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।